नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मलिक मुंबई यूट्यूब चैनल पर। मैं बुलेट दुबई आपके लिए लेके आया हूँ मैच नंबर 60। तो दोस्तों, कल वाले मैच में आपको मैंने वीडियो में बोल दिया था एडवांस में कि भाई आज का मैच गुजरात जीतेगा, और मैंने चैनल में भी अपडेट किया था आप लोगों को भाई गुजरात आज का मैच जीतने वाला है। चेन्नई के फैंस के लिए बुरी खबर है। तो बाकी दोस्तों, कल वाले मैच में पूरा मार्केट एक तरफा चेन्नई पर, बाकी मेरे फैक्ट चैनल्स में भी कल वाले मैच में चेन्नई दी हुई थी। तो फर्जी चैनल से बचो, ओरिजिनल चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी है। बाकी फैंटेसी में भी ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ कल वाले मैच में। नौ प्लेयर, वही 8-9 प्लेयर दोनों टीम में, ड्रीम टीम के अंदर सुमन गिल कैप्टन था ऑल टीम में। चेन्नई का सिर्फ एक बॉलर लिया था हमने, तुषार देशपांडे, मोहित शर्मा का और राशिद खान का आप लोगों को बोला था भाई 2+ विकेट निकालेंगे दोनों, ट्रंप प्लेयर साबित होगा मोहित शर्मा, तो वही हुआ। तो भाई वीडियो पूरा देखा करो अगर आपको पैसा कमाना है तो। बाकी गिव अवे के लिए आपको मोस्ट रन, मोस्ट विकेट और मैन ऑफ द मैच, तीन क्वेश्चन के आंसर नीचे कमेंट में करने हैं। जिसका आंसर सही होगा उसको कैश गिव अवे मिल जाएगा, तो कमेंट करना मत भूलना। अगर दोनों टीम की रिसेंट फॉर्म हम देखें तो कोलकाता की टीम पिछले 5 मैच में से 4 मैच जीत चुकी है और टेबल पर टॉप पर बनी हुई है भाई कोलकाता की टीम। वही अगर मुंबई की हम बात करें तो मुंबई की पिछले 5 मैच में सिर्फ 1 मैच जीती है और लगभग बाहर हो चुकी है टूर्नामेंट से। तो इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, कोलकाता के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है आज वाले मैच में, न्यूट्रल मैच होगा दोनों टीम के बीच में। तो दोस्तों, अगर पिच रिपोर्ट की बात करें हम आज वाले मैच के लिए, तो कोलकाता का जो ग्राउंड है बैटिंग फ्रेंडली, हाई स्कोरिंग पिच है यहाँ पे, और बाउंड्री छोटी है, बड़े बड़े टारगेट बनते हैं यहाँ पे। हमने देखा था भाई 260 का टारगेट चेज हुआ था यहाँ पर, पंजाब ने चेज किया था इतना बड़ा टारगेट। पेसर यहाँ पे विकेट निकालते हैं ज़्यादा, स्पिनर थोड़े कम विकेट मिलते हैं। चेजिंग जैकपॉट वेन्यू है, इतना बड़ा टारगेट चेज हुआ था 261 का पिछले मैच में। यहाँ पे ड्यू आती है भाई सेकंड इनिंग में, ड्यू बहुत ज़्यादा आती है इस वजह से टारगेट चेज होती है। फर्स्ट इनिंग बॉलर गेम और फैंटेसी वन, फर्स्ट इनिंग के जो बॉलर होते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉइंट देखे जाते हैं, तो फर्स्ट इनिंग के बॉलर्स को आपको टीम में रखना है। सेकेंड इनिंग में विकेट गिरते नहीं है, इस वजह से सेकेंड इनिंग के बॉलर कम ट्राई करना है। और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी सेकेंड इनिंग के जो बैट्समैन हैं उनको ट्राई करना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड इनिंग के बैट्समैन, फर्स्ट इनिंग के बैट्समैन पे ज़्यादा रिस्क मत लेना। तो दोस्तों, यह है कोलकाता के वेन्यू की पिच रिपोर्ट। अगर मैं यहाँ के वेन्यू स्टेट की बात करूँ तो टोटल यहाँ पे 92 मैच खेले गए हैं, उसमें बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं 38 मैच, वही बैटिंग सेकेंड ने 54 मैच, बैटिंग सेकेंड ज़्यादा विन होती है। एवरेज स्कोर यहाँ का 175+ है, बढ़िया टारगेट लगते हैं, हाई स्कोरिंग मैच होते हैं यहाँ पर। लास्ट 10 मैच में गिरने वाले विकेट हम देखें तो 111 विकेट गिरे हैं, उसमें पेसर को 67, स्पिनर को 44 विकेट मिले हैं, पेसर को बढ़िया विकेट मिलते हैं यहाँ पर। लास्ट 10 मैच का स्कोरिंग पैटर्न हम देखें तो पिछले मैच में 153 चेज हुआ, उससे पहले 261 का चेज हुआ और बहुत बड़ा जैकपॉट हुआ था ये वाला मैच। आप सोच सकते हो इतना बड़ा टारगेट चेज हो गया तो भाई कोई टारगेट सेफ नहीं है यहाँ पर। 222 का डिफेंड हुआ, 223 का चेज है, 161 का चेज, 208 का डिफेंड, 176 डिफेंड, बाकी 3 टारगेट रोज से चेज है यहाँ पर, 149 179 के 2 बार। पर चेजिंग टीम का यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फायदा है, तो सेकंड बैट को एडवांसेड काफ़ी ज़्यादा रहता है यहाँ पर। तो दोस्तों, आप लोग पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टेट को ज़रूर ध्यान में रखना टीम बनाते हुए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों टीम के प्लेयर की रिसेंट फॉर्म के बारे में। अगर मैं कोलकाता की तरफ से देखूं तो फिलिप सॉल्ट इस साल ज़बरदस्त फॉर्म में है और इस ग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा रन बना रहा है, बाकी आज इसके फ्लॉप होने के चांसेज हैं। ये चलेगा या नहीं चलेगा वो टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा मैं आप लोगों को। सुनील नारायण भाई मस्ट विक प्लेयर आज वाले मैच के लिए भी, या तो ये बैटिंग से पॉइंट ले जाएगा या विकेट तो कन्फर्म निकालेगा, तो कैप्टन रहेगा ये सारी टीम के अंदर अपने स्मॉल लीग के अंदर, तो सुनील नारायण को मिस मत करना। रघुवंशी की मैं बात करूँ तो पिछले मैच में इसने 32 रन बनाए था, उससे पहले 2 मैच में फ्लॉप था, तो आज के मैच में भी रिस्की हो सकता है। वेंकटेश अय्यर भाई, इसका मुंबई खिलाफ ज़बरदस्त रिकॉर्ड है और बढ़िया रन बना रहा है, तो भाई टीम में रखेंगे इसको आज, वेंकटेश अय्यर को। श्रेयस अय्यर स्मॉल लीग के लिए सेफ चॉइस है, हर मैच के अंदर भाई 25-30-40 रन आराम से बना के जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, तो स्मॉल लीग के लिए पूरी तरह से सेफ चॉइस है श्रेयस अय्यर, तो टीम में रखना है इसको। रमनदीप सिंह, यह भी स्मॉल लीग के लिए सेफ चॉइस है, बाकी रन कोई खास बना नहीं रहा, लेना चाहो तो ले सकते हो और मिस छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, मैं तो नहीं लूँगा रमनदीप सिंह को आज वाले में। रिंकू सिंह चल सकता है आज वाले मैच में, पर नीचे आता है खेलने, अगर सेकंड बैट पे कलकत्ता है तो लेना है रिंकू सिंह को। आंध्र रसल को भी ज़रूर लेना है भाई, ये विकेट निकाल रहा है, बढ़िया ओवर करा रहा है और रन बनाएगा आज, इसकी बैटिंग आएगी श्योर, तो आंध्र रसल को टीम के अंदर लेना है। मिचेल स्टार्क
पिछले 3-4 मैच से हर मैच के अंदर विकेट निकाल रहा है। स्टार्ट में पिटा था, विकेट नहीं मिले थे, इसको पर विकेट मिल रहे हैं। आज भी एक विकेट तो कंफर्म लेके जाएगा, तो स्मॉली के लिए यह भी सेफ चॉइस है। वैभव अरोड़ा पिछले 2 मैच से विकेट नहीं मिल रहे इसको, आज वाले मैच में भी रिस्की पिक्स में रहेगा वैभव अरोड़ा। और दोस्तों स्पिनर सेक्शन में वरुण चक्रवर्ती बेस्ट चॉइस है। पिछले 3 मैच से कम 2 विकेट तो निकाल रहा है। 3 मैच में 2 बार तो 3-3 विकेट लिए हैं और इस ग्राउंड पे विकेट भी लेता है, तो इसको आप ले सकते हो भाई वरुण चक्रवर्ती को। हर्षित राणा की बात करो अगर तो ये भी सेफ चॉइस है, और फास्टर में आप लेना चाहो तो हर्षित राणा भी एक बेस्ट चॉइस है। विकेट निकालता है भाई श्योर, इस ग्राउंड पे बढ़िया विकेट लेता है, तो हर्षित राणा को भी आप ले सकते हो। बाकी मुंबई की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो रोहित शर्मा पिछले 4 मैच से फ्लॉप है, 1 मैच में भी नहीं चला है। आज चलने के चांस है इसके, रन बना सकता है आज रोहित शर्मा। ईशान किशन की बात करते तो ईशान किशन भी पिछले लगभग 4-5 मैच में फ्लॉप है, ये 1 मैच में भी नहीं चला, आज चल सकते हैं ये दोनों। तो इस मौलिक के अंदर तो भाई दोनों को रखना है, दोनों थोड़ी बहुत रन बना के जाएंगे कन्फर्म। नमन देर की अगर बात करो तो नमन देर रिस्की पिक्स में है आज वाले मैच के लिए, मैं नहीं लूँगा नमन देर को, आप ले सकते हो। सूर्य कुमार यादव कन्फर्म चलेगा आज वाले मैच के लिए, मैं ज़रूर लूँगा सूर्य कुमार यादव को, और कैप्टन वाइस कैप्टन में भी ट्राई कर सकता हूँ, तो सूर्य कुमार यादव को ज़रूर लेना है। तिलक वर्मा की अगर बात करूँ तो पिछले 2 मैच से फ्लॉप है, कुछ खास कर नहीं पाया है, पर आज वाले मैच में तिलक वर्मा भी चलेगा यहाँ पे। नेहाल वदेरा पिछले मैच में फ्लॉप था, उससे पहले 46, 1 मैच में चलता है, दूसरे में नहीं चलता, अल्टरनेट चल रहा है ये बंदा, तो उस हिसाब से देख सकते हो आप आज चलने के चांसेज है, पर रिस्की पिक्स में है। हार्दिक पंड्या मस्ट प्लेयर है, विकेट निकाल रहा है भाई पिछले 2 मैच से, तो 2-2 विकेट, बैटिंग आए तो रन भी बनाएगा ये, तो हार्दिक पंड्या को मिस मत करना, हार्दिक पंड्या को लेना है आज। टीम डेविड की अगर बात करो तो टीम डेविड बैटिंग आ नहीं पाती भाई, नीचे आता है काफ़ी ज़्यादा खेलने, तो रिस्की पिक्स में रहता है, तो टीम डेविड को ट्राई मत करना। अंशुल कंबोज की बात करूँ अगर तो पिछले 2 मैच से विकेट तो निकाल रहा है भाई, 1 विकेट आराम से लेके जा रहा है, पर भाई रिस्की पिक्स में ही पिट सकता है ये थोड़ा आज, नहीं लूँगा मैं तो इसको। पीयूष चावला भाई पिछले मैच में 3 विकेट लिया था, और अगर पीयूष चावला आज मुंबई फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करती है तो विकेट निकाल सकता है पीयूष चावला। जसप्रीत बुमराह की बात करूँ तो बढ़िया विकेट निकालता है भाई यहाँ पर, वो स्पेशली कोलकाता के खिलाफ, तो इसको भी लेना है, जसप्रीत बुमराह को आपको छोड़ना नहीं है। नवीन तुषारा की अगर बात करो तो इसको भी आप ले सकते हो, नवीन तुषारा को लेना है या नहीं लेना ये टॉस के बाद अपडेट करूँगा, बाकी बढ़िया चॉइस है भाई नवीन तुषारा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों कोलकाता की तरफ से सुनील नारायण, रसल, हर्षित राणा और श्रेयस अय्यर 4 की प्लेयर है, चारों सेफ चॉइस है, बिल्कुल रिस्क नहीं है चारों प्लेयर पर। रिस्क पिक से मैंने वेंकटेश अय्यर को रखा है, ऊपर अगर खेलने आया है तो रन बनाएगा वेंकटेश अय्यर। मिचेल स्टार्क विकेट निकालेगा, स्टार्ट में तो मुश्किल है विकेट मिलना, पर डेथ ओवर में कन्फर्म विकेट निकालेगा मिचेल स्टार्क। फिलिप सॉल्ट भी रन बनाएगा आज और विकेट कीपर के लिए बढ़िया चॉइस है, तो सॉल्ट को भी आप टीम में रख सकते हो। मुंबई की तरफ से सूर्या, बुमराह, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या 4 प्लेयर की प्लेयर में रखे हैं, इसमें सूर्या रन भी बनाएगा, बुमराह विकेट निकालेगा, रोहित शर्मा चल सकता है, बड़ा स्कोर भी कर सकता है इस, तो रोहित शर्मा को रखना है टीम के अंदर। हार्दिक पांड्या भी सेफ चॉइस है। रिस्क पिक्स में ईशान किशन को रखा है, बाकी विकेट कीपर में आप ईशान किशन को ले सकते हो, ये भी थोड़े बहुत तो रन बनाएगा आज कन्फर्म में। बाकी नवीन तुषारा इसको मैंने रिस्क पिक्स में रखा है, और एक पीयूष चावला, तो पीयूष चावला को लेना है या नहीं लेना ये टॉस होने के बाद मैं अपडेट करूँगा, बाकी मैच विनर भी आज टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूँगा, तो चैनल ज्वाइन कर लो सभी बार। बैक टू बैक 3 मैच ओपन पास दिया मैंने आप लोगों को, तो चैनल ज्वाइन कर लो।